हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर इलेवन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का ट्रांसफॉर्मेशन एनसीआरटी में बहुत अच्छा नहीं दिया हुआ है सो आपको ये चैप्टर का मेन पार्ट है अगर इस पर क्वेश्चन आया तो ये थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए आंसर करने में तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा टिल लास्ट स्टेप सो so, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी के अंदर जिसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे उसको हम कहेंगे होस्ट मोस्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में हम एस्टिरीचिया कोलाई या ई e कोलाई को एज अ होस्ट यूज करते हैं तो हमें ईकोलाय e. के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ईकोलाय e. के अंदर तो हमारे जो मोटिव हैं वो होने चाहिए हमें रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करना है ये बहुत अच्छे से आपको स्टेप्स समझ में आने चाहिए बिकॉज दे इज आर नॉट एक्सप्लेन वेल इन योर बुक नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को रिकॉम्बिनेंट से अलग करना है और ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग करना है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया ठीक है तो फर्स्ट स्टेप में हमें आइसोलेट करना होगा रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से और इसी स्टेप में हम बात में ही पढ़ लेंगे ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से मैं अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पी बी आर थ्री टू टू को डिस्कस कर चुकी हूं आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा पी रेफर्स टू प्लासमेट बी एंड आर आर द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट बॉलिवर एंड रॉड्री एंड थ्री ट्वेंटी टू जो है ये मॉलिक्युलर वेट है किलो डाल्ट में आपसे कभी फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे बट हाँ ऐसा पॉसिबल है कि आपसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ये इसमें से कुछ पूछ ले तो पी हेयर रेफर्स टू प्लासमेट थ्री ट्वेंटी टू इज द मॉलिक्युलर वेट इन किलोडाल्ट एंड बॉलीवर एंड रॉड्री आर ऑफ़ हु डिस्कवर्ड दिस आर्टिफिशियल प्लास्मेट ठीक है आगे चलते हैं हम पी बी आर थ्री टू टू की थोड़ी सी बात करते हैं सो so, अगर आपको पी बी आर थ्री टू टू का स्ट्रक्चर याद हो तो हमने बात करी थी वहां पे मार्कर जीन की यानी आप किसी भी प्लास्मेट को आप एज अ वेक्टर यूज कर रहे हो तो उसके पास होनी चाहिए मार्कर जीन और जनरली हम मार्कर जीन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लेते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और पीबीआर में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी या दो मार्कर जीन थी एक थी एम्फिसिन रेजिस्टेंस के लिए और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए अगर हम इन मार्कर जीन्स को पी बी आर थ्री टू टू में बनाना चाहें तो ये है हमारी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मार्कर जीन और ये है हमारी एम्फेसलिन रेजिस्टेंट जीन ओके अब यहाँ पे हमारे दो बाम एच वन और साल एच वन रिस्ट्रिक्शन एंडो मैंशन थे और यहाँ पे मैंशन था पी एस टी वन और पी वी यू वन ओके पी एस टी वन और पी वी यू वन अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है प्लीज ध्यान से समझो देखो हमने क्या करा नॉर्मल जो हमारा कोलाई e. होता है वो उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होती तो नॉर्मली कोलाई e. किसी भी एंटीबायोटिक में ग्रो नहीं करता सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आर मिसिंग सो अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है और आपने इकोलाई e. को आर्टिफिशियली ग्रो करना है या आपने कल्चर करना है उसका आपने कोई भी एंटीबायोटिक बीच में डाल दी तो इकोलाई e. ग्रो नहीं करेगा अब आपने क्या करा आपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ली ठीक है ये हो गई आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट और ये आपने इंसर्ट करी किसके अंदर प्लाज्मेट के अंदर ठीक है अब इस प्लाज्मेट के पास हम लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमें कैसा प्लाजमेट सिलेक्ट करना चाहिए उसका कॉपी नंबर हाई हो उसके पास ओरिसाइट हो उसके पास मार्कर जीन हो उसके पास एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए बट उसके पास डिफरेंट रिकोगनीशन सीक्वेंस हो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए बहुत एक से बढ़कर रिकोग्निशन सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए वरना आपकी जो प्रोसेस है वो फेल हो जाती है राइट सो प्लाज्मेट जिसके पास मार्कर जीन है यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ठीक है अब हमने क्या करा है ये हमारा है प्लाज्मेट हमने इस प्लाज्मेट के अंदर अब मैं एक नया डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो ये सपोज कर लो कि हमारा है, ठीक है? हमने यहाँ पे इसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और वहां पे दो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है एक तो है बाम एच वन के लिए और एक है साल वन के लिए अब अगर मैंने क्या करा मैंने इसको यहाँ पे मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दी अब जब मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दी तो दैट मीन्स मैंने डीएनए के कुछ बेसिस एड ऑन कर दिए अब ये पहले इतनी जो सीक्वेंस थी आपकी ये टेट्रासाइक्लिन के लिए कोट कर रही थी मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बना रही थी बट आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने से क्या करा इसको म्यूटेट कर दिया ना आपने इसे म्यूटेट कर दिया आपने नंबर ऑफ बेसिस इसमें बढ़ा दिए आपने चैप्टर नंबर सिक्स में म्यूटेशन पढ़ी थी ना कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है जिसमें हम एडिशन और डिलीशन ऑफ अ सिंगल बेस करते हैं बट आपने मिससेंस भी तो पढ़ी थी मिससेंस म्यूटेशन अगर आप बेसिस को एड कर रहे हो और उनकी कोड सिक्वेंस बदल रही है तो वो म्यूटेशन होती है तो इसी तरीके से जब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट बीच में एड कर दी तो अब इसकी टेट्रासाइक्लिन को कोड करने की रेजिस्टेंस की पावर चली जाएगी राइट right? सो so, अब हमें क्या करना है यहाँ पे दो जीन्स हैं, दो रेजिस्टेंट जीन है एक तो रेजिस्टेंट जीन है और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर इंसर्ट करके ई कोलाई के अंदर इंसर्ट कर दिया इंसर्ट करने के हमने तरीके भी पढ़ लिए थे कि या तो हम हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट से देंगे या फिर हम अगर एनिमल सेल है तो हम उसमें माइक्रो इंजेक्शन यूज कर सकते हैं अगर वो प्लांट सेल है तो हम उसमें बायोलिस्टिक्स या जीन गन का भी यूज कर सकते हैं अब यहाँ पे सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने यूज करा रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस बाम एच वन सो अगर आपने बाम एच वन यूज करा तो दैट मीन्स आप कौन सी साइट पे काम कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पे ठीक है आई होप इट इज क्लियर टू यू आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाजमेट के अंदर इंसर्ट कर दिया अगर आपने बाम एच वन का यूज करा है तो दैट मीन्स आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे काम कर रहे हैं अगर आपने पी वी यू वन और पी एस टी वन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज कर रहा है तो दैट मीन्स आप इस साइट एम्फेसिलिन रेजिस्टेंट साइट पे काम कर रहे हो ठीक है अब हमने इकोलाई e के अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाजमेट के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के उसको एज अ वेक्टर बना के हमने में इंसर्ट कर दी अब हम ये कैसे माने कि जीन ऑफ इंटरेस्ट चली गई है उसके अंदर सही जगह पे टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन रेजिस्टेंट पे चली गई है या नहीं चली गई है अब यहाँ पे अगर मैंने यूज करा है बाम एच वन जो मैं आपको ये वाला केस समझा रही थी अगर मैंने यूज करा है बाम एच वन तो दैट मीन्स इसकी जो टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंट पावर है वो लॉस्ट हो जाएगी यानी जो रिकॉम्बिनेंट होंगे जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो एम्पीसिलिन में ग्रो करेंगे और टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेंगे राइट जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो एम्पीसिलिन में भी ग्रो करेंगे और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेंगे ठीक है आपने इकोलाई e के अंदर ये इंसर्ट कर दिया था बट जब आपने इकोलाई e के लिए इंसर्ट करा था इंसर्ट करा उसके अंदर तो आपने अगर बाम वन यूज करा था तो आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तोड़ी अगर आपने पीएसटी वन और पीवीयू वन यूज करा तो आपने एम्फिसिन रेजिस्टेंट साइट उसकी तोड़ दी आप हमेशा याद रखना ई e. कोलाई को हम प्लेट करते हैं प्लेट करने का मतलब होता है प्लेटिंग करने का मतलब होता है इकोलाई e. को ग्रो करना जब हम बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली कल्चर करते हैं तो हम उसे मीडियम देते हैं उसे ग्रो करने के लिए खाना चाहिए ना तो हम उसे खाना देंगे अब आप याद रखो अगर आपने बाम एच वन यूज करा है तो आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तोड़ दिया है तो अगर आप बाम एच वन यूज कर रहे हो या फिर आप साल वन यूज कर रहे हो आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तोड़ी है तो इस केस में जो पहली प्लेटिंग होगी वो एमपी में होगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी अगर आपने प्लेटिंग कर रही हो आप अगर आपने यूज करा है पीएसटी वन या फिर आपने यूज करा है पी यू वन दैट मीन्स आपने एम्फिसलिन रेजिस्टेंट जीन उसकी तोड़ दी है तो इस केस में आप पहली प्लेटिंग किस में करोगे टेट्रासाइक्लिन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आपने कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करा है वो डिसाइड करवाएगा कि आप प्लेटिंग में क्या यूज करोगे अगर आप बाम एच वन यूज कर रहे हो तो दैट मींस या साल साल वन यूज कर रहे हो तो आपने टेट्रासाइक्लिन पावर जो है वो खो दी है यानी इस केस में रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे टेट्रासाइक्लिन में अगर आपने पी वन या पी वन यूज करा है इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए तो दैट मीन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट पावर चली गई है इस टाइम पे इस टाइम पे रिकॉम्बिनेंट एम्फिसिन में ग्रो नहीं करेंगे तो हमें पहले रिकॉम्बिनेंट देखने पड़ेंगे कि वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर रहे हैं ठीक है और अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ना तो टेट्रा रेजिस्टेंट जीन में गया है ना तो हमारा लेटमी चेंज द कलर अगर ये हमारा ना यहां गया है और ना यहां गया है तो ये हमारे होंगे नॉन रिकॉम्बिनेट्स ना वो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा एम्फिसिलिन में भी ग्रो करेंगे टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेंगे ये बात अगर आपको समझ नहीं आई तो यू कैन रिपीट दिस वीडियो एन नंबर ऑफ टाइम्स टू गेट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर एक और बात ये तो हमने बात करी नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स की अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स की सो so, ट्रांसफॉर्मेंट्स वो हैं जिनके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली है रिकॉम्बिनेंट्स की तरह ही वो बिहेव करेंगे सो so, जो आपके रिकॉम्बिनेंट्स हुए जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है अब वो किस जगह गया है आपने कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यूज करा है उस बेसिस पे उसकी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पावर चली जाएगी जैसे मैंने कहा और साल वन आप यूज कर रहे हैं तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर जाएगी रिकॉम्बिनेंट्स की पर वो रिकॉम्बिनेंट्स टेट्रासाइक्लिन में ग्रो एम्फिसिन में सॉरी ग्रो करेंगे टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिनके अंदर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट गई नहीं तो उनकी तो वो जीन वैसे की वैसे ही है इसीलिए वो एम्फिसिलिन में भी ग्रो करेंगे और वो टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेंगे अब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है उसे आप कैसे पहचानोगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब है हम इकोलाई की ही बात कर रहे हैं अगर उसके अंदर कोई भी प्लाजमेट नहीं गया कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया तो दैट मींस उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो है ही नहीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उनके अंदर मिसिंग है देर इज नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन देम तो ना तो वो एम्फीसिलिन पे ग्रो करेंगे और ना वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करेंगे ये जो प्लेटिंग मेथड था ये बहुत टफ था इस प्लेटिंग मेथड से बहुत मुश्किल हो रहा था आप लोगों को भी जैसे समझने में मुश्किल हो रही है उसी तरीके से साइंटिस्ट को भी आइडेंटिफाई करने में बहुत डिफिकल्टी थी हाउ टू सेपरेट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स तो एक नया मेथड प्रोड्यूस करा गया जिसमें उन्होंने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का यूज करा ओके आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू इफ नॉट प्लीज रिवाइंड द वीडियो एन नंबर ऑफ टाइम्स टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर I hope you are sharing my videos with your friends so that everybody can get a better help for their upcoming exams all the best and happy learning